मंचूरियन एकेडमी नॉर्थ इंडिया नंबर वन एकेडमी फॉर डिफेंस सर्विसेज 2017 के एनडीए सुपर 30 बैच में से 21 सिलेक्शन देने वाली उत्तर भारत की नंबर वन एकेडमी। आइए देखते हैं एकेडमी की क्लासरूम। 36 है, ठीक है, देखिए लो क्वेश्चन नंबर 36 देख रहे हैं आप लोग। दिया गया है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका एक रूट दूसरे का स्क्वायर है। कम दो से तीन मिनट लगा दोगे, हो सकता है किसी के दिमाग में ये भी क्लिक ना करे कि एन टाइम्स दिया तो करना क्या है। बहुत सारे लड़के होते हैं एनडीए में, बायो और कॉमर्स हर स्ट्रीम का बच्चा बैठता है, तो 2 का स्क्वायर 4, दो नंबर। उसके बाद क्या करते हैं, उनसे बनने वाली क्वाड्रेटिक, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्रोडक्ट ऑफ 0। कंपैरिजन करा दिया, ए बराबर आपका 1 आया, बी बराबर माइनस 6 आया, सी बराबर 8 आया। उठा के चार ऑप्शन में डाल दिया, जो लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड कोई आंसर। एक वेरिएबल के फॉर्म में क्वाड्रेटिक दे दी गई, उसके रूट्स अल्फा बीटा दे दिए गए। यहां पर आपका चेंज करता रहता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर दे सकता है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर 2 रूट दे सकता है, फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे कई सारे चेंजेस करेगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। कह रहा है रूट अगर अल्फा और बीटा है तब इक्वेशन ये है, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अल्फा प्लस 1। आइए सुनते हैं एकेडमी से जुड़े कुछ लोगों से एकेडमी के बारे में। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी एंड करंट अफेयर्स। यूपीएससी का जो फोकस रहता है हिस्ट्री पार्ट में, वो इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल पे रहता है। बाकी एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री में हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन जो रहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के और मेडिवल हिस्ट्री के, वो बेसिकली अच्छे ऑथर्स की बुक से बनाए जाते हैं, एनसीईआरटी से बनाए जाते हैं। और जो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं वो बेसिकली बिपिन चंद्रा हो गए और एक्सेट्रा ऑथर्स हैं, उनकी बुक से बनाए जाते हैं। जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन होते हैं, आप देखेंगे कि ज्योग्राफी की तैयारी मैप से शुरू होती है और एनसीईआरटी पर खत्म। तो ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन और जो यूपीएससी का अप्रोच है, वो बेसिकली ये जानना है कि हाउ अ कैंडिडेट इज अवेयर ऑफ सराउंडिंग्स। बेसिकली दे वुड लाइक टू आस्क एनीबडी द माउंटेन्स, द रिवर्स, द प्लेटोज, सच लाइक थिंग्स दे आर लुकिंग फॉर। कंसेप्चुअली ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन होते हैं वो बेसिकली एनसीईआरटी की बुक से ही बनाए जाते हैं। उसमें हमारी रॉक्स, उसमें हमारा वॉल्केनोज, इस तरह की जितनी भी फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है वो प्रेजेंट होता है। इसी तरह पॉलिटी, पॉलिटी हमेशा से फोकस रहा है यूपीएससी का, और हमेशा पॉलिटी में आप देखेंगे कि जो जीएस का पार्ट है उसमें लगभग 30-40% पॉलिटी ही वेटेज ले जाती है। पॉलिटी हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, लेजिस्लेचर से रिलेटेड है, जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब तो क्वेश्चन जो हैं प्रेसिडेंट रूल, गवर्नर की पावर, इन सब जो भी करंट में इश्यूज चल रहे होते हैं वो उससे आते हैं। तो हम लोग भी उसी तरह न्यूज़ में जो इवेंट्स रहते हैं उन्हें कवर करते हैं, और थोड़ा सा इसमें प्रीएम्प्टिव होना पड़ता है, थोड़ा सा प्रिडिक्टिव होना पड़ता है, आपको थोड़ा सा एनालिसिस करनी पड़ती है कि जो चीज़ें न्यूज़ में चल रही हैं यूपीएससी उन्हें ही उठाता है। तो उस एरियाज, जो एरियाज न्यूज़ में थे, अगर आप उनको उठाते हैं, उन पर रिसर्च करते हैं, उनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स को ब्रशअप करते हैं, तो आपको हमेशा ज़्यादा फायदा होता है। इसी तरह इकोनॉमी में जो भी करंट में चल रहा होता है वो ज़रूर आता है। जैसे कभी पेमेंट बैंक्स पे क्वेश्चन आ गया, या फिर स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स पे आ गया, या कोई बड़ा जीएसटी जैसा रिफॉर्म आ गया, तो यूपीएससी जो न्यूज़ में चल रहा होगा बेसिकली उसका फोकस वही रहता है। इसके अलावा करंट अफेयर्स में अब बहुत डायनामिक हो गया है करंट अफेयर्स भी। अब वो डिजास्टर मैनेजमेंट की एक्सरसाइजेस पूछ लेते हैं, उनके थीम्स पूछ लेते हैं, ब्रिक्स का समिट कहाँ हुआ, कैसे हुआ, फर्स्ट कहाँ हुआ। इसी तरह अगर इंडिया एशियान रिलेशंस के 20 साल हो रहे हैं या बिम्स्टेक के 25 साल हो रहे हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं। इसके अलावा मान लिया किसी फेमस पर्सनालिटी की कोई एनिवर्सरी आ रही है, जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर की 125 आ गई, या मौलाना आज़ाद की आ गई 100, या
सरदार वल्लभ भाई पटेल की आ गई, तो आप देखेंगे अक्सर यूपीएससी उस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम करता है। इसके अलावा अब आजकल यूनाइटेड नेशंस में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस में, ब्रिक्स में, G20 में टेररिज्म से रिलेटेड भी क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में यूपीएससी पूछने लग गया है। CDS में ज्यादा आते हैं, NDA में उस हिसाब से थोड़े से कम आते हैं। तो हमारी कोशिश सेंचुरियन में यही रहती है कि जो करंट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं प्लस जो स्टैटिक आपका GS का पार्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, सोसाइटी, उसको कवर करें और टॉपिक्स जो है मैक्सिमम कवर किए जाएं, सब्जेक्ट्स मैक्सिमम कवर किए जाएं, जितनी हो सके इनडेप्थ नॉलेज दी जा सके। क्योंकि अब एग्जाम जो UPSC का पिछले 4-5 साल से आ रहा है वो बेसिकली सिर्फ डेप्थ नहीं पूछ रहा है, आपकी नॉलेज की विड्थ भी पूछ रहा है। क्योंकि जब वो किसी समिट का थीम पूछ रहा है तो वो बेसिकली जानना चाहता है कि आपने उस थीम, उस पर्टिकुलर टॉपिक को कितना कवर किया है। आपने हो सकता है सिर्फ इतना पढ़ रखा हो कि वो समिट पहली बार कहाँ हुई थी या इस बार कहाँ हुई है, लेकिन अगर आपने थीम नहीं पढ़ा तो आपका कवरेज कम। तो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन है। 16 इज अ वेरी टेंडर एज टू बी ऑनेस्ट, एंड आई डोंट थिंक एनीबडी इज मैच्योर इनफ और हैज दैट काइंड ऑफ विजडम टू डिसाइड फॉर हिमसेल्फ व्हाट इज राइट फॉर हिम एट दैट काइंड ऑफ एन एज। तो नेसेसरीली आप जैसे किसी भी यंग माइंड को आपको मोल्ड करना पड़ता है, उसकी काउंसलिंग करनी पड़ती है, माइंड की कंडीशनिंग करनी पड़ती है, दैट काइंड ऑफ थेरेपी। वो मुझे लगता है यहाँ सर देते हैं, शिशिर सर और हेमंत सर दोनों ही देते हैं, मैंने देखा है लोगों को, जो लोग तो वो इस तरह के लोग आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन मोटिवेटेड लोग भी आते हैं। तो ये तो अच्छे गुरु पे है कि वो अपने शिष्य को कैसे मोल्ड करता है, कैसे काउंसिल करता है, तो इस पे कोई वो नहीं है। वाल्मीकि ने भी रिमांड लिखने से पहले वो भी एक ही वाज अ डेकॉय, तो इट इज दैट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच कैन कम इनसाइड यू। ये बच्चे के बच्चा पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर बच्चा अच्छे लेवल का है और उसका मेंटल लेवल अच्छा है और उसकी बेसिक स्ट्रांग है तो बच्चा आपका अगर 2 घंटे की मान लीजिए, 1.5 घंटे की यहाँ पे क्लासेस चलती है, 4 क्लासेस चलती है, बच्चा यहाँ 5 से 6 घंटे क्लास पे देता है तो कम से कम वो 5 से 6 घंटे घर पे भी दे, वो सारा रिवीजन करे, जितना यहाँ पे पढ़ाया गया उसका रिवीजन करे, उसे प्रिपेयर करे, वो जितने टाइम में भी अपना पार्ट कंप्लीट कर पाता है वो कंप्लीट कर दे। तो मिनिमम ये है कि कम से कम 5 से 6 घंटे डेली बच्चे को पढ़ना चाहिए घर पर क्लासेस के अलावा। अगर बच्चा मान लीजिए वीक है तो वही अपने आस वो इंक्रीज कर दे, बढ़ा दे, उस हिसाब से वो अपनी पढ़ाई कर सकता है। मैं तो अपनी क्लास जब भी पढ़ाता हूँ तो बच्चे के साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखता हूँ क्योंकि बच्चा ताकि सारे क्वेश्चन पूछ सके, बच्चा हेजिटेट ना हो और खुल के जो भी प्रॉब्लम्स है डाउट है पूछ लेता है, और फ्रेंडली नेचर रख के मैं बच्चों से बहुत सारी कुछ उनके अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कौन कौन सा पार्ट वीक है, कौन सी चीज़ें नहीं समझ में आई। कई बार ये होता है हम क्लासेस पढ़ा देते हैं, बच्चा बोल देता है हाँ नहीं समझ में आ गया, तो फिर उससे क्वेश्चन पूछ के और बच्चों से थोड़ा सा फ्रेंडली नेचर रख के बच्चा ओपनली मेरे को बता देता है कि सर वो वाला चैप्टर थोड़ा सा कम समझ में आया था, रिवीजन करवा देते हैं उससे, थोड़ा सा ये बेनिफिशियल रहता है उनके पार्ट में। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानन सर, मैं सेंचुरियन एकेडमी में एज ए CTI हूँ। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मॉर्निंग में यहाँ पे रनिंग के लिए भी आते हैं और वो ये सिर्फ एक जो ये सिनेरियो यहाँ पे दिया जाता है बच्चों को, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऐसा ही नहीं सिर्फ रिटर्न की क्लासेस चली, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है बच्चे रिटर्न की क्लासेस करते हैं और वो फिजिकली फिट नहीं होते हैं इसलिए वो बाहर कर दिए जाते हैं, बाद में वो इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे उनको शुरुआत से ही वो कहीं आगे चल के उनके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम ना, बच्चों को फिट रखते हैं। उससे क्या होता है कि बच्चों को एक ये भी पर्पज है हमारा कि रिटर्न के साथ साथ बच्चों को फिट रखने का और आगे चल के उनको फिजिकल में कोई प्रॉब्लम ना हो, उनके मेडिकल में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए यहाँ पे रोज परेड होती है और बच्चे उसको बहुत अच्छी तरीके से इन्जॉय भी करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से करते भी हैं। लास्ट में क्या होता है कि जैसे ही बच्चों की छुट्टी होती है वैसे ही उनको नेशनल एंथम के साथ यहाँ पे यहाँ से उनको छोड़ा जाता है और ये प्रोसेस डेली होता है। हेलो एवरीवन, आई एम फ्रंट ऑफिस मैनेजर एट सेंचुरियन एकेडमी लखनऊ आलमबाग ब्रांच। आई एम हियर टू प्रेजेंट व्हाट एमेनिटीज वी आर गिविंग यू, मीन्स हमारे यहाँ आपको कौन कौन सी सुविधाएं हम आपको देते हैं। उसमें हमारी एक फर्स्ट होती है लाइब्रेरी फैसिलिटी, जिसमें हम आपको सारी बुक्स जो भी आपके डिफेंस कोर्स के लिए यूजफुल होती हैं वो सारी बुक्स हम आपको यहीं से प्रोवाइड कराते हैं। एंड हम आपको यहाँ पे इस टाइम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च करा रहे हैं जिसके लिए आप के लिए यहाँ पे हर स्टूडेंट को एक ID पासवर्ड, सबको एक स्पेसिफिक ID पासवर्ड हम यहाँ से प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आपको क्या होता है कि एवरी 3 डेज के वीक में आपको ये सारे ID पासवर्ड पे आपको पेपर मिल जाएगा, पब्लिश हो जाता है और आपको ये सारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज
के पेपर्स आपको मिलते हैं, जिसकी वजह से आप एयरफोर्स में आपका जो ऑनलाइन पेपर होने वाला है और एफकैट में भी इस बार ऑनलाइन पेपर हो रहा है, तो इन सब चीज़ों की वजह से आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस बन जाएगी, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम पेपर के टाइम नहीं होगी। देन हम आपको यहाँ पर रेगुलर क्लास नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, जो कि हमारी खुद की एकेडमी की सेल्फ मेड होती है। इसमें हम आपको वो सारी चीज़ें जो मटेरियल होता है वो टू द पॉइंट प्रोवाइड कराते हैं, जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो, और अपार्ट फ्रॉम सिलेबस और अननेसेसरी थिंग्स इसमें कुछ भी नहीं होती। उसके बाद आपको हम यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट की सेल्फ मेड नोट्स होती हैं, सॉरी बुक्स होती हैं, वो बुक्स भी हमारे यहाँ पब्लिश होती हैं। वो बुक्स हम आपको आपके एडमिशन के टाइम पे प्रोवाइड कराते हैं, जो कि आपके लिए वो भी हेल्पफुल होती हैं, क्योंकि ये हमारे सारे एक्स SSB बोर्ड मेंबर्स की बुक्स होती हैं। देन हम आपको यहाँ पे एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराते हैं जस्ट लाइक अ गुरुकुल, जैसे कि आपको गुरुकुल इन्वायरमेंट मिलता है। जैसे कि आपको यहाँ पे अगर 7 o'clock पे मॉर्निंग में आपको यहाँ पे रिपोर्ट कर देना है, तो आपको 7 पे रिपोर्ट कर देना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे पनिशमेंट वगैरह एंड ऑल सब कुछ मिलता है। जैसे कि एक स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट हम आपको किसी भी एक डिफेंस और रिप्यूटेड एक एकेडमी में प्रोवाइड कराते हैं। सो ये सारे एमेनिटीज हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे, जो कि आपको एक लाइफ में एक सक्सेसफुल आदमी बनने के लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो सब कुछ हम यहाँ पे आपको देते हैं। सेंचुरियन एकेडमी में किस प्रकार से SSB के लिए कैंडिडेट्स को तैयार किया जाता है? सबसे पहले कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि सिलेक्शन सिस्टम क्या है और इसमें किस प्रकार से 3 तरह के अप्रोच से कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाता है, जैसे कि साइकोलॉजिकल टेस्ट, इंटरव्यू, ग्रुप टेस्टिंग। ये बाकी इंटरव्यूज और सिलेक्शन सिस्टम से फ़र्क होता है, क्योंकि आर्म फोर्सेस के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो बाकी से फ़र्क होगी। इसी के साथ में कैंडिडेट्स को रेशनल बताते हैं कि सिलेक्शन सिस्टम का क्या रेशनल है, और जो 5 दिन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में एक कैंडिडेट बिताता है उसका पूरा शेड्यूल और सभी टेस्ट का प्रोसीजर हम डिटेल में बताते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट जो हैं वो दिमागी तौर पे कैंडिडेट के बारे में जानते हैं। इसमें कैंडिडेट को कुछ स्टिमुलस, कुछ वर्ड्स, पिक्चर्स दिखाई जाती हैं और कैंडिडेट्स को इसके बारे में अपना रिएक्शन देना होता है, लिखकर रिएक्शन देना होता है। दूसरी टेक्निक होती है इंटरव्यू टेक्निक। इसमें कैंडिडेट का एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर, जो एक सीनियर रैंक का ऑफिसर होता है, उससे इंटरव्यू होता है और वो कैंडिडेट के बारे में, उसकी पर्सनालिटी के बारे में, उसके पास्ट के बारे में जानता है विभिन्न प्रकार के सवाल जवाब करके। और तीसरा है ग्रुप टेस्टिंग, यानी कि कैंडिडेट को एक ग्रुप में रखा जाता है जिसमें 6 से 10 कैंडिडेट होते हैं और उसका वहाँ पर एज ए ग्रुप टेस्टिंग बहुत सारे टास्क कराए जाते हैं। सेंचुरियन एकेडमी में कैंडिडेट्स को पहले मैं बताऊंगा ग्रुप टेस्टिंग के बारे में, किस तरीके से हम इनको तैयार करवाते हैं। सबसे पहले ग्रुप टेस्टिंग जो 2 दिन का प्रोसीजर है उसके बारे में, एक एक टास्क के बारे में डिटेल में बताया जाता है। उसके बाद में कैंडिडेट को हर टास्क में क्या करना चाहिए और ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर कैंडिडेट का क्या क्वालिटीज देख रहा है, क्या एक्शंस देख रहा है वो बताया जाता है। आइए बात करते हैं एकेडमी में पढ़ने वाले बच्चों से कि उन्हें यहाँ पढ़कर कैसा लगता है। मेरा नाम रत्नम खरे है। मैं अंशुमान सिंह। माय नेम इज चंद्रकाश सिंह। माय सेल्फ आदित्य राज। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुशांत प्रकाश मिश्रा। माय नेम इज ऋषभ पाठक। हेलो एवरीवन, माय नेम इज हरीश। माय नेम इज रोशन सिंह। आई एम अजय कुमार शर्मा। एज पर द SSB प्रोसीजर, द सेंचुरियन एकेडमी टॉट अस वन ऑफ द बेस्ट SSBs। एज वी कुड सी दैट SSB फोकसेस ऑन क्रिएटिंग द ऑफिसर्स फॉर नरिशिंग द पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन, and Sachun Academy provides the best platform to nourish one's personality with full of discipline and time management. They also help us in various things like in GD, in GPE, how to write it, how to speak, and in physical
things. They also help us to do parade, as well as they also perform some physical exercises in the morning, which help us a lot in our interview, as well as individual obstacle or command task. SSB is a 5-day procedure and they help us to nourish our personality. एंड यकीन मानिए जब मैं यहाँ पे आई थी मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी, मुझे ये भी नहीं पता था कि एक्चुअली होता क्या है. मुझे बस ये पता था कि हाँ पेपर होते हैं, बट पेपर में क्या होना है वो मुझे नहीं पता था. तो वो यहाँ आके मैंने सीखा, यहाँ के टीचर्स इतने अच्छे हैं. वेदर यू टॉक अबाउट एडमिन डिपार्टमेंट या टीचर्स, स्पेशली शिशिर सर, कुणाल सर एंड स्वप्निल सर, एवरी टीचर, रविंद सर, सारे टीचर्स ने हमें बहुत कुछ सिखाया. एंड जो पॉइंट टू द बेस्ट थिंग इज पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ बताते हैं. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्टडीज, इवन बाकी चीज़ें जैसे स्पोर्ट्स, जैसे हम लोग की डेली स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज मिस होती थी, तो स्पेशली इस अकेडमी में हम लोग को बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिसमें वी गेट अवार्डेड ऑल्सो. आई केम हियर द फर्स्ट टाइम, आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी एक्चुअली स्पेलिंग, एंड व्हेन आफ्टर फ्यू मंथ्स आई कम टू नो व्हाट इज द साइकोलॉजी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी एंड Vice Psychology conducted in SSB interview. हमारी अकेडमी में लाइब्रेरी में CDS और NDS सभी की बुक्स अवेलेबल हो जाती हैं, जिससे हम अकेडमी में कोई भी बुक इशू करा के पढ़ सकते हैं, घर पे ले जा सकते हैं. मैंने गूगल पे सर्च किया, काफ़ी मुझे कोचिंग्स मिली, सेंचुरियन अकेडमी का भी नाम था वहाँ पे. मैंने देखा इसकी रेटिंग्स काफ़ी अच्छी रही, सो मैं यहाँ पे इंक्वायरी के लिए आया. मैंने इंक्वायरी की, यहाँ पे मैंने 2-3 ट्रायल्स लिए, काफ़ी फैकल्टीज से पर्सनली बात भी की. सो मुझे काफ़ी अच्छी लगी कोचिंग, तो मैंने 6 मंथ के लिए मैंने इस कोचिंग को ज्वाइन किया. आर्मी में जाने का ज़्यादा मेरा फोकस रहा, देन मैंने यहाँ पे गूगल पे सर्च किया तो सबसे पहली अच्छी रेटिंग सेंचुरियन अकेडमी की थी. तो फिर मैंने यहाँ पे आया और सर से बात की, देन मैंने फर्स्ट डे यहाँ पे लिया. मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे क्लास लेने के बाद. देन मैंने मैंने 1 ईयर का कोर्स यहाँ पे करवाया. ऑफ दिस क्लासेस, तो द क्लास स्टार्ट फ्रॉम दिस 7 AM एट द मॉर्निंग. द फर्स्ट क्लास इज द पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आफ्टर दैट द इंग्लिश क्लासेस 8 to 9, एंड आफ्टर दैट द साइंस क्लास, एंड आफ्टर दैट द मैथ क्लास विल हेल्प, एंड आफ्टर दैट लंच, एंड आफ्टर दैट द GS क्लासेस हेल्प. आफ्टर जॉइनिंग सेंचुरियन अकेडमी आई फेल्ट दैट My personality has really changed by getting many personality classes. Starting from the morning, we get the communication skills classes, and in which our mentor Aditya Dubey sir guides us how to communicate good in English. The very first step he said to me was thinking in English, and this really enhanced my English and also many of my friends. In the mid time, we used to do extracurricular activities with our friends, and our mentor Shishi sir, who is also personality development teacher, teaches us how to do GD and debate or extempo. Academy में कुछ इस तरह दी जाती है अनुशासन की ट्रेनिंग. बोला गया आपसे कि कंजट दाने उड़ गए, दाने बहुत सावधान हुआ, दाएं गए. कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल द राइजिंग न्यूज़, और लॉग ऑन करें www.therisingnews.com पर. धन्यवाद.